आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। सत्र की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से कुछ सवाल पूछे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ये वही यूपी है जहां जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश के सवालों का सीएम योगी ने जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि अब प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो रहे हैं और कानून व्यवस्था भी बेहतर हो रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी निकालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाती। विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। लता मंगेशकर जी के निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा इस माननीय सदन की ओर से दिवंगत आत्मा की को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे सिंगर्स कभी कभी पैदा होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर इनबॉर्न टैलेंट भगवान ही देता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से, सदन की तरफ से और पार्टी की तरफ से उनके जो भी सहयोगी परिवार के सदस्य हैं उन तक हमारी संवेदनाएं पहुँचें। वहीं जो माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे, ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई हुई और अब 26 मई का को ऑर्डर 7 Rule 11 पर सुनवाई होगी। इसी दिन यह भी तय होगा कि किन किन याचिकाओं पर सुनवाई की जानी है। वही अदालत ने निर्देश दिया है कि अगले 7 दिन में एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई पर दोनों पक्ष अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। कल जो सुनवाई हुई थी, सभी पक्षों को सुना था माननीय न्यायालय ने, और आज अपना निर्णय दिया है कि जो है 7 Rule 11 पर हम सुनवाई 26 से सुनना शुरू कर देंगे। उसके बाद उन्होंने एक सप्ताह का समय दिया है कि जो कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर सभी पक्षकार अपनी आपत्ति एक सप्ताह के अंदर दे सकते हैं। और हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था कि हम लोगों सारे साक्ष्य कमीशन रिपोर्ट के चीफ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उपलब्ध कराएं। उस पर भी न्यायालय ने कहा है कि हम व्यवस्था उसको बना के उपलब्ध करा देंगे। क्या तो कोर्ट ने कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष का ये है कि पोषणीयता पे पहले सुना जाए 7-11 पे, तो कोर्ट ने उस पर ऑर्डर पास करते हुए कहा है कि पहले 7-11 पे सुन लिया जाएगा। साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी आपत्ति मंगाई है। एक हफ्ते का समय दिया है उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दोनों पक्षों को। और जो हमारी मांग थी सीडी और फोटोग्राफ्स की, उसको भी कोर्ट ने कहा है उसको भी सुना जाए, उसको भी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। गाजियाबाद में ऑपरेशन पताल के तहत एक्शन लिया गया। संयुक्त तरीके से हुई कार्रवाई में गन हाउस के मालिक तरनजीत को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि तरनजीत गन हाउस के अंदर लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करके अपराधियों को गलत तरीके से असलहा मुहैया कराया जाता था। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही पर सीओ प्रथम और सिटी मजिस्ट्रेट ने गन हाउस का निरीक्षण किया। 4 अवैध अस्करों की तस्करी करने वालों अभियुक्तों को गिरफ्तार करा था। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असले एवं कारतूस मिले थे। ऑपरेशन पाताल में संज्ञान लेते हुए हमने इनसे पूछताछ में जो चरणजीत गन हाउस का नाम इन्होंने लिया था, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी एसपी की एक जॉइंट टीम बना के इसका औचक निरीक्षण करा। औचक निरीक्षण के दौरान इनके स्टॉक बुक में काफ़ी अनियमितताएँ पाई गईं। साथ ही साथ इन्होंने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करा है एवं खाली खोखा कारतूसों का हिसाब किताब नहीं दे पाई है। इसी के साथ इनको अवैध असलों का मरम्मत करने का दोषी पाया गया है। आईपीसी की और आर्म्स एक्ट सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेज दिया गया है।
हरदोई में जिला महिला अस्पताल में अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आशा बहु मरीज से अवैध वसूली करती नजर आ रही है और प्रिंसिपल वाड़ी गुप्ता ने अवैध वीडियो की सत्यता परखने के लिए महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गंदगी और अन्य कमियां पाए जाने पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। वीडियो को देखने के बाद प्रिंसिपल ने निलंबन की कार्यवाही की। यहाँ पे आशा बहुएं आती रहती हैं जिनके लिए कई बार कहा गया कि अवरोध उत्पन्न किया जाए। आशा बहुएं ड्रेस में आए, आई कार्ड में आए, के साथ आए और फिर भी अब इसमें रुकावट हम लोगों ने के लिए गार्ड लगाए हैं। गार्ड जैसा उस वीडियो में भी देखा जा रहा है कि गार्ड आशा बहू को रोक रहा है और इसके लिए यही उपाय है कि गार्ड और यहाँ की CMS अगर जब तक सचेत नहीं होंगी आशा बहुओं का ये धंधा रोका नहीं जा सकता। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महीन सिंह तंवर ने आम लोगों के साथ सभी मार्केट के व्यापार मंडल अध्यक्ष, मार्केट प्रधान और व्यापारियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति और व्यापारी अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण ना करे और सड़क के किनारे कोई भी सामान को रखा ना जाए और अगर ऐसा हुआ तो सामान को जब्त कर लिया जाएगा। सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा ना हो इसलिए भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा वृहद स्तर पर जोन वाइज रोस्टर बना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई करते वक्त किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को परेशान न किया जाए। साथ में ही व्यापार मंडल और बाकी जो समाज के वहाँ के सामाजिक लोग हैं, वहाँ के कुछ संगठन हैं, उनसे बातचीत करके सबसे पहले बातचीत और अनाउंसमेंट के माध्यम से एनक्रोचमेंट के लिए उनको हटाने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। कानपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया। अतिक्रमण की एक कार्रवाई अनवरगंज इलाके में की गई। कानपुर में आज योगी बाबा का बुलडोजर अनवरगंज थाना क्षेत्र में फिर गड़का, जिसपे अवैध अतिक्रमण गिराए गए और अवैध अतिक्रमण वालों को चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण ना लगाएं वरना और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताया थाना लाटूस रोड क्षेत्र में, अनवरगंज थाना क्षेत्र के लाटूस रोड क्षेत्र में बुलडोजर कब जिसमें पुलिस बल व नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं के विसौली कस्बे में CHC प्रभारी ने एक प्राइवेट अस्पताल में छापेमारी की जिसमें की आशा वर्कर ने डिलीवरी के सरकारी अस्पताल में न ले जाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना सही मिलने पर CHC प्रभारी ने आशा वर्कर के खिलाफ रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी है। उस लाभार्थी के साथ वो आशा वहाँ पे मौजूद थी और ये बताया गया कि आशा ही उस व्यक्ति को चिकित्सालय में लेके गई है। उस आशा से वहीं मौके पर पूछताछ की गई थी और उसके संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए हमने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित कर दिया है। उनके खिलाफ जो भी न्याय संबंध कार्रवाई होगी वो की जाएगी जिससे इस तरह के कार्यों पर आगे। फरीदाबाद के शिव दुर्गा विहार में एक दर्दनाक हादसा हो गया जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यापारी की मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वही दूध लेने सुबह निकले थे, परचून की दुकान है, वहाँ दुकान है हमारी, तो रास्ते में ही तार गिरी हुई थी तो उसी में किसी ने हमें बताया कि ऐसे सह जाके पहचान कर लो, सकता की शायद वही है, डेली वही जाते थे हम लोग गए। लापरवाही मानते हैं, कंप्लेंट करने के बावजूद भी जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो ध्यान नहीं देते। FIR करने के बाद भी कुछ हुआ तो नहीं था। ये जी हमें सुबह करीब 6:30 7:15 फोन आया था एक चौकी में कि ऐसे ऐसे करंट लगने से मृत्यु हो गई है किसी की, तो मैं और SI उदयपाल मौके पर पहुंचे। इसमें जो IO हैं वो मेन IO हैं जो SI उदयपाल है जालबाग चौकी से, तो वो मौके पर पहुंचे तो ये देवकरण है इनका नाम, ये वहाँ तार टूटे हुए थे 11,000 की लाइन के और ये वहाँ जली अवस्था में थे, SPR हो चुके थे, तो इसमें इनके लड़का है दीपक
वकीलों ने दरखास्त दी है वहाँ मौके पर और उसमें मुकदमा FIR दर्ज हो गया। श्रावस्ती से बड़ी खबर सामने आई है जहां बैंक के BC ने कई खातों से करोड़ों रुपए उड़ा दिए और जब खाता धारक बैंक से पैसे निकालने पहुंचे तो ये देख उनकी होश उड़ गया। फिलहाल बैंक के BC मौके से फरार चल रहे और खाता धारकों ने शाखा प्रबंधक समाधान दिवस जिलाधिकारी पुलिस क्षेत्र अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे खाता धारक परेशान है। मिला का रुपया सब सतीश कुमार लेके चल गया, बिस्ती चला होते हैं, खाता से साले रुपया निकाल लेंगे। कितना रुपया आपका गायब है? हमारा रुपया 78,900। जानकारी आपको कैसे हुई? जानकारी हुई जब पैसा ही निकाले गए हुआ तो ये आज के काल पैसा नहीं है, बैंक में मैनेजर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसके बाद जब हमारे त्यौहार इलेक्शन जब हम पैसा निकाले यहाँ आए बोलते हैं भंगहा तो यहाँ देखा खाते में पैसे नहीं। लड़की का लड़के का खाता था उसने दोनों खाते एक खाते में 45,000 रुपया एक खाते में 31,000 रुपया दोनों खाते से निकाल करके सतीश कुमार शर्मा फरार हो चुका है। हमारे लड़की की शादी थी, शादी में एक रुपया हमारे पास नहीं रह गया। पैसा निकाल लिए 84,000 निकलवावे गई रही और फिंगर लगावा तो कहीं कि तो नरे इमा पैसा नहीं 3,200 रुपया रहा तो जब निकलवा जब उनके ठीना फिर गई तो कहीं कि तो कहूँ ना पैसा निकल पाई बैंक में निकल पाई कहूँ सिस्टम नहीं है तो वो 20,000 रुपया निकाल कर दी ना और पैसा काट लिया। यहाँ पर भदौड़ा में जमा किया था और हमने जब निकालने के गए तो इसने पैसा को गायब कर लिया। हमने जब फिर बाद में निकालने गए तो वहाँ जब पैसा नहीं देखा तो हमको कहा कि आपने पैसा क्या किया, कहीं की कुछ गलती हो गई है तो हमने हमारा पासबुक रख लिया और इसने पासबुक आज तक नहीं दिया। जब हमने यहाँ पर भंगाव चुपाया यहाँ पर तो यहाँ इसने से चेक कराया स्टेटमेंट निकलवाया तो इसमें पैसे नहीं है। कितना रुपया गया है? 18,000 रुपया निकाल गई है। 75,886 रुपया पैसा बताओ। हाँ, 75,886 रुपये और जब निकालेगी तो उमर रुपया देखा 17। जब लड़की की शादी करे बहुत अब गेंद देखा तो उमर रुपये ने तमाइन भगा दो और क्या यहाँ चक करावा यहाँ कहीं 17 रुपया है। अब उनसे मांग रहा जाए तो दिन फल टरावत है कि यहाँ साहब अरे रुका जा एक महीना से टरावत है, कल लियो परसों लियो 8 रोज बाद लियो और हम लोग दोनों भी मित्र शादी बिल्कुल ले जाए। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया? वहाँ SDM साहब के दिन साहब मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद है जहां जगतपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है जिसका वहां के लोगों ने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और फिर स्थानीय लोगों ने SDM से शिकायत की जिसके बाद पटवारी के आदेश दिए गए कि वहां जाकर जमीन की जाँच की जाए। मेरा नाम रमेश है सर। कौन सा गांव है? गांव जगतपुर रामराय सर। क्या मामला है यहां पर? मामला सर यह है कि ये रास्ता है हमारा 500 साल पुराना, हम जब से पैदा हुए हैं हम इसी के रास्ते को निकलते चले आए हैं। अब ये लोग पहले कच्चा रास्ता होते थे, अब पूर्व प्रधान ने रामभरोसे लाल ने इसको पक्का कराया, कुछ समय के बाद में इन्होंने इसको दमनगिरी में उखेड़ दिया। 10-5 साल जो नरेश रामवीर और बंटी ये मनोज वगैरह इन्होंने उखेड़ दिया, तब से सर ये ऐसे ही कच्चा चल रहा है और इस पर बार बार ये कब्जा करने के प्रयास करते हैं। कानपुर के नौबस्ता में एक युवक लंबे समय से महिलाओं को लूट का शिकार बना रहा था। वही लूट की एक घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई जिसके बाद पुलिस आरोपी की घेराबंदी की। दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अवैध असलाह कारतूस और बाइक बरामद की। आज क्षेत्र में पतारसी सरगसी की जा रही थी तो ज्ञात हुआ कि दो अपराधी नीले अपाचे व तमंचे सहित लूट की फिराक में नवस्था थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिस पर घेराबंदी व पुलिस मुठभेड़ के बाद अभियुक्त अंशु वर्मा पुत्र राजेश वर्मा मूल निवासी फतेहपुर वर्तमान पता थाना नवस्था क्षेत्र को गिरफ्तार किया गया जबकि अंधेरे का लाभ उठाकर उसका साथी करण सक्सेना उर्फ हर्ष पुत्र सुशील कुमार निवासी थाना नवस्था भाग गया।
गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक बल प्रयोग किया गया जिससे अभियुक्त अंशु वर्मा पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। कन्नौज में एक बड़ा मामला सामने आया है जहां नगर पालिका के नाम पर हो रही वसूली के विरोध में ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर दिया है और यहां आंदोलन अवैध वसूली मांगने पर हुआ। ऑटो चालक की हड़ताल की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने चालकों को हड़ताल खत्म करने के लिए समझाया और एसडीएम ने कहा कि ऑटो चालकों की समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाएगा। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नई गाइडलाइंस आई हैं इनके द्वारा अवैध रूप से नगर पालिका क्षेत्र में बस स्टैंड के सामने डीपी रोड के सामने पार्किंग कर दिया जाता था जिससे आम जन के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती थी, कभी किसी दिन एक्सीडेंट हो जाता था। तो इस तरह उद्देश्य से इनको कहा गया कि आप लोग अपने वाहन को गलत जगह पार्किंग न करें, आप लोग मूविंग में रहें। तो उसके विरोध स्वरूप इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया इनकी समस्याओं पर जो इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है। जल्दी हम लोग सार्थक रूप से विचार विमर्श करके इसका हल करें। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।